नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। स्वच्छ भारत अभियान देश भर में एक जन आंदोलन के रूप में लिया गया है, जिसमें देश भर में लाखों लोगों ने शामिल होकर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए काम किया और स्वच्छता के महत्व को भी समझाया। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा आज गांधी जयंती एवं स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने दर्शकों को बता दें कि रतलाम मंडल पर 17 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक सक्रिय रूप से स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का आयोजन किया गया था। इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मंडल के सभी स्टेशनों, स्टेशन परिसरों, कार्यालयों, कार्यशालाओं में शपथ और स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। गांधी जयंती एवं स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर आज 2 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार के नेतृत्व में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 की ओर से सर्कुलेटिंग एरिया के पास से प्रारंभ कर आरसीडी कार्यालय तक सफाई की गई। इसमें अपर मंडल रेल प्रबंधक अशफाक अहमद सहित मंडल की सभी शाखा अधिकारियां, अन्य अधिकारियां, पर्यवेक्षकों, कर्मचारी और लगभग 150 से अधिक लोग इस गहन श्रमदान में शामिल हुए। इस तरह मंडल के उज्जैन, इंदौर, नागदा, नीमच, चित्तौड़गढ़ सहित सभी स्टेशनों, लोको केयर सेंटर रतलाम, कोचिंग डिपो, इंदौर मंडल रेलवे चिकित्सालयों, सभी चिकित्सा यूनिटों इत्यादि में श्रमदान कर सफाई की गई। इस श्रमदान कार्यक्रम में इंदौर में लॉयंस क्लब इंदौर, दाहौद में कॉमर्स कॉलेज दाहौद के विद्यार्थियों और नीमच में जूडो टीम द्वारा भी अपना अहम योगदान दिया गया। अक्टूबर आज स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। आप कुछ भी रेलवे वैसे ही स्वच्छता के लिए नंबर एक है, आप कुछ सफाई करने क्या कुछ संदेश किस तरीके से देखिए, आज आपको मालूम है 2 अक्टूबर हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता, उनका जो मिशन है पूरा देश स्वच्छ हो, बहुत टफ मिशन है, लेकिन भारतवासी भी कम नहीं है, तो 140 करोड़ लोग हैं। और आज हम लोगों ने प्रेरणा ली है कि स्वच्छता पखवाड़े में हमारे सारे ऑफिसर्स और स्टाफ मिलके एक कॉर्नर साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इस रोड को साफ करने का सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि यह संदेश जाए कि स्वच्छता एक महत्वपूर्ण मिशन है और ना इसमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, जब हमारा इलाका स्वस्थ होगा तभी हमारा मन स्वस्थ होगा। इसी भावना के साथ, इसी एक प्रेरणा के साथ ये आज मिशन उठाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 दिनों में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का समापन हुआ है और आज से रेलवे का स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हो रहा है, जो अगले 15 दिन तक चलेगा।